हेलो जी, मेरा नाम तखीर है। इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। सो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का बहुत ही अजीब व गरीब हाल चल रहा है, लेकिन इमरान खान की टीम जो है, इमरान खान की पार्टी जो है, वो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट लगभग टूट सी चुकी है। लोगों का ये तो यही मानना है, लेकिन सर्वे बताएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट बताएगी कि आखिर वहाँ की पब्लिक क्या सोचती है। असर तो पड़ा होगा। लाहौर का सर्वे देखने वाले हैं हम, PMLN अयाज सादिक के हलके का सर्वे, उनके एरिया का सर्वे देखेंगे इसके अंदर। तो सब्सक्राइब कर लो, देखते हैं इस सर्वे में कौन आगे रहता है। चलो वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हुशान खान, मैं अभी मौजूद हूँ लाहौर में। ये NA 121 हलका है और ये अयाज सादिक साहब का हलका है। तो आइए अवाम से जानते हैं कि अवाम इस बार किसको वोट डालेगी। आप बताए ना, फिर इमरान खान जी। सर इमरान खान जी, वन एंड ओनली जी। अच्छा, के भी उनका वोट ही नहीं होगा। अच्छा सर, आप इमरान खान ही क्यों? सबको आजमाया सर, सबको आजमाया। इमरान खान साहब को बेहतर पाया सबसे, हर लिहाज से। वाहिद आदमी जिसके ऊपर हमें एतमाद है, करप्ट नहीं है। और अब अगर करप्ट का साथ देंगे तो फिर हम खुद भी करप्ट हैं। सर वो तो माइनस कर रहे हैं, वो जो मर्जी कर लें। खान तो इमरान खान, इमरान खान ही है। इमरान खान असल पार्टी का नाम ही इमरान खान है। तहरीक इंसाफ तो सेकंड नाम है, नाम असल नाम इमरान खान है। ये है कट्टर सपोर्टर। इंशाल्लाह बेकार है आप जो कर रहे हैं ना, क्योंकि फायदा इसका कुछ नहीं है। इनकी टांगे कांपने लग जाएंगी जब रिजल्ट आएगा। जी सर, आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो है, जो मर्जी कर लेंगे, माइनस कर लें, हर चीज़ कर लें, वो उधर ही पड़ेगा जहाँ लोगों ने देना है। ये बिल्कुल, और वो है PTI को। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਆਪ ਕਿਸ ਕੋ ਡਾਲੇਂਗੇ ਵੋਟ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿਹਨ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੋਟ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਕ ਕੇ ਲੀਏ, ਗਰੀਬੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਸੋਚੇਗਾ, ਹਮ ਉਸਕੋ ਵੋਟ ਪਾਏਂਗੇ। ਹਮਾਰੇ ਵੋਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। इंशाल्लाह जिंदगी रही, इमरान खान को वापस भी लेके आएंगे, वोट भी डालेंगे, उसका साथ भी देंगे। वजह ये, मेरे घर का बिल आता था इमरान खान के दौर में, पहला बिल जो मेरे घर का गिरा आके, किराए पे मैं रहता हूँ 200-300, उसके बाद गिरा 300-400, उसके बाद आया 900 से ऊपर नहीं गया जब तक इमरान खान रहा है। 900 से ऊपर मैंने अभी तक बिल नहीं जमा कराया, मेरे पास पूरी हिस्ट्री पड़ी ही है। ठीक है, आज मैंने फ़ोन किया, मेरे पर लाइव रिकॉर्ड है, मेरा बिल है 9000 रुपये, 8000, 7000, 8000। यानी कि मैं परेशान हूँ, वही मैं बंदा हूँ जो मैं 200-300 बिल भरता था अपने, वो भी बता रहे हैं यार, परेशान होते थे, कहते थे क्या प्रॉफिट मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई अल्लाह का शुक्र है बात नहीं है। इमरान खान साहब हैं जी, उनकी हुकूमत चल रही, ना लाइट जाती है, ना कुछ होता है, बेरोज़गारी भी नहीं है, हर चीज़ कमी पेशी है। और अब मैं देख के परेशान हूँ, 8000-9000 क्या बंदा करे, समझ से बाहर है। इंशाल्लाह लेके आएंगे हम इमरान खान को, क्यों नहीं, जिंदगी रही, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान साहब आपको वापस लेके आएंगे, जिंदगी रही। नवाज शरीफ जी सर, नवाज शरीफ। क्रॉस कर रहा है किसी को नहीं, सब बराबरी पे चल रहे हैं। सर इलेक्शन आरे बोर्ड को डालेंगे इमरान खान, हमने किसी को भी नहीं डालना भाई जान। बोल सांग हां जी, अपना कमाने अपना खाने सब दागड़ दल लेने जी। सर आप क्या कर, इलेक्शन को डालें, इलेक्शन आरे बोर्ड को डालेंगे इमरान खान, नून लिया कोई और, सब खैर हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात, वो अल्लाह पाक का है। पता क्या बात है, नहीं मेरी बात सुनो, पता क्या बात है, फाइव फिंगर नो सेम, बिल्कुल अंडरस्टैंड, फाइव फिंगर नो सेम, एवरीबॉडी गुड, आई एम रॉन्ग। सर देख लें, आप अगर गलत हैं और दूसरे ठीक हैं तो फिर आप इसको, हाँ, ये जमाना है मुनाफिक का। आपने मुनाफिक किया, आपके एवरीबॉडी हम जो फाइव फिंगर नो सेम, अंडरस्टैंड। हाँ अल्लाह।
जी सर, इलेक्शन आ रहे वोट को डालेंगे, इमरान खान बोल रही है। पता नहीं हमको किसको डालना चाहिए, अभी सोचा ही नहीं। ये ना डालने वाले बहुत। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वोट इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ को, उन्होंने मुल्क के लिए बहुत काम किया है, सड़कें बनाई हैं, मोटर वे बनाया है, और क्या बताऊं मैं उनको। सर ये अभी मियां शहबाज शरीफ आए हैं, अभी वो सारा मैनेज कर रहे हैं, सब हालात सही हो जाएंगे, ये चीज़ें वापस आएंगी, एक महीने तक ये चीज़ें वापस अपने कंट्रोल में आ जाएंगी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। उनको वही तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक होकर तो आ जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम आप मेहनत कर रहे हैं और किसी को भी नहीं दे रहा, किसी को नहीं देने वाले बहुत लोग। PMLN का घर है, बड़ी दूरों फरमाइश आई है कि पूछो इन्हें किनू दोगे वोट, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, फुल तंग। सर इलेक्शन आ रहे, वोट किनू पाओगे, इमरान खान नून लीग या कोई और? शेर नो, शेर नो, अपनी मर्जी यार, शेर नू ही पावांगे, शेर नू जी, तुसी किनू वोट पाओगे? शेर नू जी, शेर शुक्रिया सर। सलाम अलैकुम सर। जी बेटा जी, सर इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको डालेंगे, इमरान खान नून लीग या कोई और? दो ही पर दफा करो, दफा करो, दफा करो, फुल तंग। लाहौर PMLN का गढ़ था, वहां से कोई जीते हुए होंगे PMLN के, तो उनके यहाँ का सर्वे था जिसके अंदर 25 वोट्स PTI को गए इमरान खान के नाम पर, लेकिन ज़्यादा वोट जो थे इस सर्वे के देखे जाएं तो 44 वोट्स किसी को नहीं देने वाले, यानी कि ज़्यादातर पब्लिक जो है वो ये कह रही है कि यार वोट ही नहीं देना किसी को, क्योंकि दिल तो फिरा होगा इमरान खान का भी, जो इंसिडेंट और ये जो इल्ज़ाम वगैरह लगे हुए हैं कि जो 9 मई का दंगा हुआ था, जो भी सीन बना था उसको लेकर पब्लिक खिलाफ तो हुई होगी भाई, जाहिर सी बात है। तो वो जो सपोर्टर थे वो खिलाफ होकर ये कह रहे होंगे कि हम वोट किसी को भी नहीं देंगे, लेकिन हाँ जो गढ़ है उनका घर है अयाज सादिक का, तो उसमें अगर देखोगे आप तो 35 वोट उनको गए हैं, 25 इमरान खान को गए हैं, 25 इमरान खान के बुरे नहीं हैं, वहाँ पर बहुत फ़र्क होना चाहिए था, लेकिन हाँ सारे लोगों में 90-100 लोगों में अगर पूछा जाए तो 35 उनके, 44 किसी को नहीं, 25 इमरान खान के वोट, तो बुरा सर्वे नहीं है। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, इस सर्वे से अग्री करते हो।